गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में, और आज अपन बात करेंगे उसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिलेटेड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हेडिंग लगा दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो आपको कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, आइए देखिएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हुआ इसमें केवल और केवल एक ओएच ग्रुप आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो देखो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन वो देता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो आप जानते हो आपका जो एल्कोहल होता है, जैसे ये मैंने लिखा आर सी एच टू ओएच लिखा, क्लियर है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो आर ओ एच लिख सकते हो। अब देखो क्या क्या होगा, एक तो एल्कोहल इस प्रकार की रिएक्शन देगा जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। तो पहली जो अपनी रिएक्शन होगी ओएच बंद के विघलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, क्लियर है, ड्यू टू ओएच बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। तो यहां लिख रहा हूं मैं ओएच बंद विघलन के कारण, बंद विघलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। दूसरी अपन बात करेंगे इसमें, तो आप देख पा रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो दूसरी यदि एल्कोहल रिएक्शन देगा तो वो रिएक्शन देगा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी इस बंद विघलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन आप जानते हो क्या होगा, जो एल्कोहल होता है इस एल्कोहल के ऑक्सीजन पर क्या पाई जाती है, लोन पेयर पाई जाती है। तो आप लिख दोगे यहां पर एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया, यानी ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है इसके कारण कौन कौन सी अभिक्रिया देगा। चौथी अपन बात करेंगे इसमें, आपका जो एल्किल ग्रुप है और ओएच ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि एल्किल ग्रुप और आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके कारण होने वाली इसकी कंबाइंड या सम्मिलित अभिक्रिया, इनकी बात करेंगे। तो देखो चार प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल रिएक्शन देता है, ये तो जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा यानी ओएच वाला, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और एक ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं उस लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया, और चौथी रिएक्शन देगा वो एल्किल ग्रुप और ओएच ग्रुप होता है आपका उसके कारण होने वाली सम्मिलित अभिक्रिया। तो आज अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ओएच बंद विघलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। एक नंबर हेडिंग लगा दीजिए ओएच बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लियर है। चलिए अब देखो यदि बंद विघलन के क्रम की बात करें अपन, तो देखो बॉन्ड जो आपका टूटता है बॉन्ड फ्यूजन इसको आप बोलोगे बंद विघलन, बंद विघलन का जो क्रम होता है वो प्राथमिक एल्कोहल का ज्यादा होता है, फिर द्वितीयक एल्कोहल का ज्यादा होता है, फिर आपके तृतीयक एल्कोहल का होता है, यानी ये तो हो गया बंद विघलन का क्रम। अब देखो इसके आधार पर अपन देखेंगे आज विशेष तौर से एल्कोहल के एसिडिक नेचर, क्योंकि अपना टॉपिक यही रहेगा विशेष तौर से, यानी एल्कोहल की जो एसिडिक नेचर होती है वो किस कारण होती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है उस बॉन्ड ब्रेक होने के कारण ही यहां पर आप बोल पाओगे कि ऑक्सीजन है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। चलिए आज अपन बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, और उसी में पढ़ रहे हैं अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और इसी में एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल है उसकी एसिडिक नेचर देखेंगे, उसकी अम्लीय प्रकृति देखेंगे, और सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स,
यानी कि सक्रिय धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। पहले अपन देखेंगे सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। देखो आप सभी जानते हो जो सक्रिय धातु होती है सोडियम पोटेशियम है आपकी रूबिडियम है ये सब क्लियर है चलिएगा एल्यूमिनियम वगैरह है यानी कि एक्टिव मेटल वो होती है जो क्या करती है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और पॉजिटिव आयन्स का निर्माण करती है। क्लियर है जैसे सोडियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना देगी सोडियम केटाइन बनाती है तो ये एक प्रकार की होगी एक्टिव मेटल हो जाती। चलो आपका जो एल्कोहल होता है वही सोडियम के साथ क्रिया करेगा। अब इसमें क्या होगा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है क्या बनाता है ये बनाएगा आपको आर ओ एन और एच टू। अब इसको आपको बैलेंस करना तो हाफ लगा दो हाफ एच टू क्लियर है। चलो इसको बोला जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। इसको बोलोगे आप सोडियम एल्कोक्साइड तो आपने क्या देखा कि आपका जो एल्कोहल होता है वो सोडियम के साथ क्रिया करता है तो वो सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। देखिए जैसे मेरे पास में है CH3OH मीथेनॉल है इसकी रिएक्शन मैंने क्या करवाई सोडियम धातु के साथ करवाई क्या बना आपका CH3ON यानी कि सोडियम एथोक्साइड बना और इस रिएक्शन को आपको यदि बैलेंस करना है तो क्या हो जाएगा यहां हाफ एच इसको आप क्या बोलोगे सोडियम ये OCH3 क्या बोलोगे इसको मेथॉक्सी ग्रुप बोलते हो तो सोडियम मेथॉक्साइड इसको आप बोल दो क्लियर है आपका। चलिए अब यहां से अपन बात करने जा रहे हैं इसके एसिडिक नेचर कैसे शो होती है। देखो यहां पर जो ये हाइड्रोजन का निष्कासन होना है यह अभिक्रिया अपने को बताती है कि यह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। क्लियर है यहां पर चलिए अब देखो विशेष तो बात करेंगे अपन एल्कोहल की एसिडिक नेचर है उसके बारे में देखिएगा आप लोग। देखो आप सभी जानते हो जो एल्कोहल होता है इस एल्कोहल में यह एल्किल ग्रुप पाया जाता है। क्लियर है इस एल्किल ग्रुप का प्रभाव कौन सा होता है प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव का मतलब हुआ इसका प्रभाव होता है इलेक्ट्रोडोनेटिंग इफेक्ट होता है यानी कि एक प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव दर्शाता है जिसके कारण क्या होगा यहां से ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन देगा यानी एल्किल ग्रुप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। अब आपको पता है इसके इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए तो क्या हुआ क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है एक प्रकार का विद्युत ऋणी होता है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अब मान लो विद्युत ऋणता ज्यादा है इसलिए ये क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है किस वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है आपका जो एल्किल ग्रुप है इस एल्किल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करेगा ये अपनी ओर खींचेगा। अब देखो जैसे ही अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो क्या होता है आपका जो OH बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। ये जो आपको OH बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये OH बॉन्ड क्या हो जाता है आपका वीक हो जाता है। अब देखो जैसे ही OH बॉन्ड यहां से क्या हुआ वीक हुआ तो यहां से क्या होगा आसानी से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा यानी कि एक प्रोटॉन आसानी से यहां से क्या निकल जाता है बाहर निकल जाता है मींस जो आपका एल्कोहल होता है क्या बनाएगा यहां से RO- और एक प्रोटॉन आप यहां से निकाल देते क्लियर है। चलो इसका मतलब ये इसका क्या बना है इसको जानते हो आप एल्कोहल होता है। अब यहां ये एसिड है इस एसिड का ये बना क्या है कॉन्जुगेट बेस बना है इसका एक संयुग्मित क्षार बना है। अब आपको पता है संयुग्मित क्षार बना है इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब एक विद्युत ऋणी परमाणु है ऑक्सीजन है उस पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है और बढ़ रही है। अब आपने देखा इसकी
स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इसका स्थायित्व बढ़ा तो इसकी एसिडिक नेचर भी यहां क्या हो जाती है, सो हो जाती है, यानी वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? चल ये तो आपने इसमें लिख लिया। अब देखो क्या होता है, एल्कोहल की जो अम्लीयता होती है वो आप देखते हो जल की तुलना में क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो आपसे ऑर्डर पूछे जल में और एल्कोहल की बात कर ले वहां पर, तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या, जल की जो अम्लीयता होती है वो एल्कोहल की तुलना में ज्यादा होती है। ये अम्लीयता का क्रम है इन दोनों में। अब इसका कारण क्या है, देखो मैंने क्या बताया, देखिएगा एल्किल ग्रुप आपका जो होता है, इस एल्किल ग्रुप का प्रभाव कौन सा होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। आप जानते हो इस एल्किल ग्रुप का प्रभाव कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट। अब आप इतना भी जानते हो जहां भी आपको प्लस आई इफेक्ट दिखता है इसका मतलब वो क्या करता है, किसी कंपाउंड की बेसिक नेचर को बढ़ाता है क्या, बिल्कुल बढ़ाता है, यानी कि उसके क्षारीय गुण में वृद्धि कर देता है, उसकी क्षारीयता के बारे में बताता है, मीन्स उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो H2 आपने देखा, इसने क्या किया, एक H प्लस और एक क्या बनाया, OH माइनस, प्रोटॉन का त्याग किया, इसका मतलब ये क्या बना आपका, OH माइनस बना। OH माइनस आप जानते हो एक क्या बना है, यहां एक कॉन्जुगेट बेस बना है। अब देखो OH माइनस यानी यहां पर चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पे है, जनरेट हो रहा है, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ी है, मींस आपकी जो एसिडिक नेचर है, अम्ल प्रकृति है वो बढ़ी है उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, एल्कोक्साइड की तुलना में। क्यों बढ़ी है, देखो एल्कोक्साइड आपने देखा ये होता है, जबकि यहां पर क्या होता है, ये होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि जो आपका एल्किल ग्रुप होता है इसका क्या होगा, प्लस आई प्रभाव होगा। अब प्लस आई प्रभाव यहां लग रहा है तो इसकी तुलना में क्या है, प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, जबकि यहां पर तो प्लस आई प्रभाव वाला कोई ग्रुप है ही नहीं। क्लियर है? तो उसके कारण इसके एसिडिक नेचर इसकी तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? यहां से आई बात समझ में, बता दोगे? ठीक है। अब देखो आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या है वो, जल, एल्कोहल, एल्काइन और अमोनिया, यानी कि ऑर्डर ध्यान में रखना है आपको, जल, एल्कोहल, आपका एल्काइन और आपका अमोनिया। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है यहां पर, ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये आपको बता रहा है एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। कई बार आपकी कंपटीशन में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, या आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए आपका जल होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद में एल्कोहल होता है, फिर आपका एल्काइन और सबसे कम क्या होता है, आपका अमोनिया होता है। क्लियर है आपका? चलो अब तो आप समझ गए होगी कि इसका एक तो प्लस आई प्रभाव पाया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो एल्कोहल होता है वो जल से दुर्बल अम्ल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्कोहल लिख लीजिएगा, जल की तुलना में एक दुर्बल अम्ल होता है क्यों, एक दुर्बल अम्ल होता है, कारण बता दोगे, क्या कारण है। चलिए तो ये आपने देखा एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन होती है तो वो क्या क्या बना देता है। चलो अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि समान भी जो एल्कोहल होते हैं उनमें अपने को यदि देखना हो एसिडिक नेचर का ऑर्डर तो वो कैसे देखते, उसकी बात कर लेते। चलिए देखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल है आपका, 2 डिग्री एल्कोहल है आपका और 3 डिग्री एल्कोहल है। यदि आपसे पूछे उस समय एसिडिक नेचर का ऑर्डर तो वो कैसे डिफाइन करोगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, और वो आप जानते हो अच्छे तरीके से। चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं एसिडिक नेचर ऑफ 1 डिग्री, 2
टू डिग्री और आपका थ्री डिग्री एल्कोहल, यानी कि इनकी अम्लीयता की तुलना करनी है। चलो देखिएगा यहां पर सबसे पहले एक तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, यदि मेरे को मान लो आइसोमेरिक एल्कोहल देखना पड़े, आइसोमेरिक एल्कोहल जानते हो यानी जिसमें अणुसूत्र क्या हो, समान हो। चलो इसका मतलब यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं, एक तो मेरे पास में RCH2OH है, तो आइसोमेरिक एल्कोहल में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम देखने को मिलेगा लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। एक तो ये हो गए। चलो एक आपने क्या बनाया, उसका एक सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप बना दिया, और एक आपने बना दिया उसका टर्शियरी एल्कोहलिक ग्रुप बना दिया। क्लियर है? इसको आपने बोला ये प्राइमरी एल्कोहल है। क्लियर है? इसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एल्कोहल। क्यों बोला गया, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है आपकी, वन है। ये जो एल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, या इसी को आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी एल्कोहल बोलोगे। और ये जो एल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है इसको आप क्या बोलोगे, टर्शियरी एल्कोहल बोल दोगे। आप देखो आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्या पता है, यदि आपको एसिडिक नेचर देखनी है तो क्या देखना पड़ेगा आपको, माइनस आई इफेक्ट देखना पड़ेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है यदि वो ज्यादा है इसका मतलब वहां पर क्या होता है, एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। क्लियर है? या आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, आपकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो प्लस आई ग्रुप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि प्लस आई वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसके एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, उतने ही कम हो जाएगी। मींस आप इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो क्या, या ध्यान रखना जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, नोट लगा के लिख लीजिएगा कभी मत भूलना, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उन एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, हमेशा प्लस आई इफेक्ट होता, यानी कि सभी एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं। इसका मतलब CH3 यहां CH3 CH2 हो, यहां CH3 CH3 मींस इधर से इधर आओगे यानी ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो आप जानते हो कि एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, और एल्काइल ग्रुप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, एल्काइल ग्रुप आपकी बढ़ रही है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो देखो प्लस आई वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसके एसिडिक नेचर क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अब वो कैसे डिफाइन करोगे, तो एक कारण तो आप यहां से बता सकते, देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहां पर तीन ग्रुप है जो क्या करते हैं, प्लस आई दर्शाते हैं, जबकि यहां पर आपके दो ही एल्किल ग्रुप है जो क्या दर्शाते हैं, प्लस आई दर्शाते हैं, जबकि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल एक एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है जो आपका क्या दर्शाता है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाता। अब जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप है आपके पास में इसका मतलब क्या होगा, उसका यदि आप इफेक्ट देखना चाहोगे तो वो क्या कर देंगे, एसिडिक नेचर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब उसको बताऊंगा मैं इसका कारण क्या होता है, वो आपने पढ़ रखा है वहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां पढ़ रखा है वहां पर। चलो अब देखिएगा क्या होता है यहां, तो एसिडिक नेचर की बात करोगे ना तो 1 डिग्री एल्कोहल के एसिडिक नेचर हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो मैंने बोला था एल्किल ग्रुप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसमें तीन एल्किल ग्रुप है तो इसकी तो सबसे कम होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस बात को समझे, अब यहां लॉजिक लगा के देखते, ये तो लॉजिक लगा लिया, अब देखिएगा इसका बनाओगे कंजुगेट बेस बना के भी देख सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए कैसे देखोगे। देखिएगा यहां से क्या किया मैंने, एक एच निकाला, तीनों से क्या किया मैंने, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहां भी एक एच प्लस निकाला, यहां भी क्या किया मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और यहां भी क्या किया मैंने एक प्रोटोन को निकाला। अब आपको पता है इस प्रकार की स्पीसीज जहां से प्रोटोन निकलता है तो वहां पर क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट बेस स्पीसीज बन जाती है, यानी कि आपकी संयुग्मिक क्षार बन जाता है RCH2O-1। क्लियर है? चलिए
यहां क्या बनेगा आर सी एच आर ओ माइनस हो गया। चलो यहां पर क्या होगा आर सी आर आर ओ माइनस। अब आपके दिमाग में क्या आया देखो यहां पर एक ग्रुप है उसका प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है, इसका यहां प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है और इसका क्या लग रहा है यहां प्लस आई लग रहा है। क्लियर है यहां पर? अब देखिए क्या होगा, यानी कि तीनों जो एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे, वहां ज्यादा दर्शा रहे। अब एक एल्किल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो कोई भी आपका सिस्टम है वो स्टेबल कब रहना चाहिएगा, या तो वो क्या उदासीन हो, उदासीन प्रजाति हमेशा क्या होती है मोस्ट स्टेबल होती है नेचर में। किसकी तुलना में, यदि वहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पर। तो इस वाले में देखना ये आपको दिखाई दे रहा है तीन एल्किल ग्रुप है। अब तीनों एल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे रही है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण बताओ तीन इलेक्ट्रॉन है या तीन आपके एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसके कारण स्टेबिलिटी क्या हो रही इसकी कम हो रही है। चलो इसकी स्टेबिलिटी यहां क्या हुई कम हुई। क्लियर है? चलो फिर यहां बात करेंगे आप स्टेबिलिटी की, दो एल्किल ग्रुप दे रहे हैं तो देखो यहां पर तीन दे रहे हैं, तीन के कारण स्टेबिलिटी कम हुई है, यहां पर दो दे रहे तो इसकी तुलना में स्टेबिलिटी क्या थोड़ी ज्यादा है। तो यहां स्टेबिलिटी की बात करोगी स्टेबिलिटी ऐसे लिखता हूं मैं, यहां क्या है स्टेबिलिटी कम है, यहां स्टेबिलिटी थोड़ी क्या है ज्यादा है, जबकि यहां पर क्या है एक ही एल्काइल ग्रुप दे रहा है तो स्टेबिलिटी यहां क्या होगी आपकी बहुत ज्यादा होगी। अब आपको पता है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है ये आपके सभी क्या बने कॉन्जुगेट बेस बने, और कॉन्जुगेट बेस की जहां बात आती है तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी ज्यादा। एसिडिक नेचर की बात करोगे अम्लीय प्रकृति की बात करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास में इसकी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर, फिर इसकी होगी और सबसे कम क्या होगी इसकी। क्लियर है? इस प्रकार आप क्या कर दोगे एसिडिक नेचर है उसका ऑर्डर डिफाइन कर दोगे। यहां तक नोट करें इसे, तो ये बने बात के समावेगी एल्कोहल में किस प्रकार होता है। चलो आगे हेडिंग लगाओ इसी में, अब कौन कौन सी रिएक्शन देखते हैं जिसके कारण अपने को ये जानकारी होती है कि वो एसिडिक नेचर देता है कंपाउंड या आपका जो एल्कोहल होता है वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, तो वो कौन कौन से ऐसी रिएक्शन है उनकी अपन बात करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हेडिंग लगाओ मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, दो नंबर इसी में, एक नंबर तो हो गया, अब कौन कौन सी रिएक्शन है रिएक्शन विद, तो पहली रिएक्शन अपन देख रहे मेटल हाइड आपका जो धात्विक हाइड्राइड है या धातु हाइड्राइड है उसके साथ रिएक्शन कैसे होती है किसकी एल्कोहल की। देखो एल्कोहल जानती हूं और मेटल हाइड्राइड आपका ये होता है NH, यहां से क्या होता है अपन ये तो पढ़ रहे हैं इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, तो क्या निकलेगा यहां से हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगी और क्या बनेगा आपका आर ओ एन ए यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। चलो ये तो होगी मेटल हाइड्राइड के साथ में, यानी कि आपका मेटल जब रिएक्शन करता है तो एल्कोक्साइड देता है और हाइड्रोजन का निर्माण कर देता है। क्लियर है? चलिए आगे लगाओ रिएक्शन दूसरी, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि सीएस टू के साथ रिएक्शन कैसे हो। अब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होगी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एल्कोहल की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किसके साथ में करवाओगे किसी मेटल के साथ करवाओगे। क्लियर है? अब वो मेटल क्या करेगा एल्कोक्साइड बना देगा, फिर आप क्या करोगे इस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करोगे। देखिएगा एल्कोहल की रिएक्शन करवाई आपने मेटल के साथ में, बॉन्ड ब्रेक होगा ये क्या बनेगा आर ओ एन ए और आपको यहां से क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है? अब आपका जो बना हुआ है सोडियम एल्कोक्साइड जिसको आप कह रहे हो इसकी रिएक्शन आपको करवानी है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, ये आपका क्या होता है कार्बन डाइसल्फाइड होता है, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आर ओ
सी डबल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड एस, फिर यहां से क्या क्लियर। इसको बोला जाता है सोडियम एथिल जेंटेट, या इसको बोल सकते एल्किल जेंटेट। क्या बोलोगे आप इसको? सोडियम एल्किल जेंथेट बोल देते हो, जेंथेट। अब देखो ये एक प्रकार का होता है फ्लोटिंग एजेंट होता है, यानी इसका यूज करते हो आप एक प्रकार के पलवनकारी के रूप में। और कहां करते हो ये अपन पढ़ेंगे मेटलर्जी, जहां धातु क्रम पढ़ेंगे उस पर आती एक विधि आती है झाग पलवन विधि। यानी कि ये क्या करती है आपकी झाग पलवन विधि, धातु क्रम में इस विधि का यूज करते हुआ, यानी कि किसी प्रकार के जो एस का आप लेते हो उसका सांद्रण करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, किसका? झाग पलवन विधि में। तो वहां पर पलवनकारी ग्रुप में जो काम लिया था सोडियम एल्किल जेंटेट, वो आपका यही होता है। और आपसे पूछे झाग पलवन विधि का यूज कहां किया जाता है, तो इसका जो यूज किया जाता है सल्फाइड के जो भी अयस्क होते हैं उनके सांद्रण में इसका आप क्या करते हो यूज करते हैं। तो ये देख लिया आपने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। चलिए आगे लगाइए एल्काइलेशन एल्कलीकरण, तीन नंबर रिएक्शन है एल्कलीकरण। देखो एल्कलीकरण में अपन क्या करवाते हैं उसकी बात करते हैं। तीन नंबर रिएक्शन है एल्कलीकरण, इसी को क्या बोलूंगा मैं एल्काइलेशन कह दूंगा। देखो एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्कोल है और इस एल्कोल की आप रिएक्शन करवाते हो CH2N2 और इसको क्या कर दोगे यहां से हीट कर दोगे। तो देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है CH2N2 इसको क्या बोलते हो आप, डाई एजो मीथेन कहते हो। आप देखिएगा इसके साथ जब रिएक्शन होती है एल्कोल की तो क्या होता है कि आपका एल्काइलेशन की प्रोसेस होगी। अब एल्काइलेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा तो यहां से आपको मिलेगा ROCH2H, क्लियर है? या इसको आप क्या कहते हो बताओ, देखिए ROCH3, यानी यहां आपने क्या कर लिया एक ईथर की फॉर्मेशन कर ली। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो क्या बनता है, RONA बनता है क्या? चलो ये आपका बना RONA। आगे आप यदि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, यहां से NH मिलता है और क्या बनता है ROR बन जाता है। इस ROR को आप क्या बोलते हो, ईथर कहते हो क्या? और इस विधि को क्या बोला जाता है, यहां अपन ने पहले डिस्कस भी किया है, इसको बोला जाता है विलियमसन से, विलियमसन से ईथर सिंथेसिस बोला जाता है। इस विधि को आप कहते हो विलियमसन ईथर संश्लेषण, यानी कि इसके द्वारा आप क्या करते हो ईथर का निर्माण करते है। तो ये आपका हो गया एल्कलीकरण, जिसको आप कहते हो एल्काइलेशन। आगे हेडिंग लगाओ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चार नंबर रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपका एल्कोल कैसे रिएक्शन करता है और वो किस प्रकार से एसिडिक नेचर दर्शाता है, देखिएगा। ये आपका एल्कोल है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो RMGX के साथ में, तो यहां से आपको क्या मिलता है RH मिलता है, मतलब एल्केन बन गया क्या। देखो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना अपने को क्या बनी RH, यानी इस विधि द्वारा आपने क्या प्राप्त किया है एल्केन प्राप्त किया है, क्लियर है। चलिए और क्या बना आपका, यहां से ROMGX बन गया, यानी कि MGXOR की यहां क्या कर ली आपने फॉर्मेशन। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होती है और उसके द्वारा क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसकी अपन ने बात की है यहां पर, क्लियर है। चलिए आगे लगाइए हेडिंग कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, और इसी को आप क्या बोलोगे यहां एस्टरीकरण बोलते। तो हेडिंग लगा लीजिए रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी रिएक्शन को बोलोगे आप एस्टरीकरण अभिक्रिया।
पांच नंबर ही ऑप्शन की बात करने जा रहा हूं। इसी को आप कहते हो एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन मतलब क्या हुआ? एस्टरीकरण कहते हो। रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हो। आप बोल दोगे रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। चलिए देखिएगा क्या होता है। अपने पास में क्या है? कोई एल्कोहल है और इस एल्कोहल की आप रिएक्शन करवाने जा रहे हो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अब देखो क्या होता है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। क्लियर है? चलिए इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपको पता है ये बॉन्ड टूटना है। अब यहां से आपका H2O निकलता है। अब H2O कब बाहर निकलता है? जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो संद्र H2SO4 के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 लेते हो, या आप क्या ले सकते हो यहां पर संद्र या कंसंट्रेट HCl ले सकते हो काम में। अब इस रिएक्शन में जो H2SO4 है और HCl है वो आपके एक प्रकार के उत्प्रेरक भी होते हैं, कैटालिस्ट भी होते हैं और एक प्रकार के डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कार्य भी करते हैं। मींस क्या हुआ? वो निर्जलीकरण कारक का कार्य भी यहां करेंगे, यानी कि निर्जलीकरण कारक का कार्य भी यहां करते हैं। चलो तो क्या बनने वाला है? ROCOR एस्टर बनने वाला है आपका, बन जाता है यहां एस्टर और बाहर क्या निकल जाता है H2। अब देखिएगा ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है यहां पर एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और मंद गति से संपन्न होती है, यानी कि धीमी गति से संपन्न होती है। तो इसकी कोटि क्या निकालोगे आप? दो निकालोगे, क्योंकि इस पे और इस पे निर्भर कर रही है। तो आप क्या बताओगे? कोटि दो आ रही है, इसका मतलब किस प्रकार की ऑर्डर है? ऐसे। ये आपने क्या बना लिया है यहां? एस्टर की फॉर्मेशन कर ली। आगे देखिएगा इसका एग्जांपल करते हैं। ये मेरे पास में मेथिल एल्कोहल है और इधर मैंने लिया है मान लीजिएगा ये हो गया यहां OHCO और CH2CH3। यहां से क्या होगा? H2O निकलेगा। आप सभी जानते हो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, कंसंट्रेट H2SO4 काम में ले सकते हो या क्या ले सकते हो काम में? कंसंट्रेट HCl काम में ले सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलेगा। क्या बनेगा यहां से? आपका एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। आपका क्या बन गया है? ये देखिएगा एस्टर बन गया है। क्लियर हो गया? चलिए इसी को आप क्या कह देते हो? एस्टर कहते हो और यहां से H2 बाहर निकलने वाला है, यानी कि आपका क्या बना है यहां? एस्टर की फॉर्मेशन होती है, उसी को आप क्या कहते हो? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते। चलो अब देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया की अपन बात करें तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, उसकी क्रियाशीलता होती है या इसकी जो दर होती है रिएक्शन करने की, वो किस पर निर्भर करती है? तो अपन बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एस्टरीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं, उसमें उसकी क्रिया की बात करते हैं, दर की बात करते हैं। तो देखो इसकी जो दर होती है, एल्कोहल अपन काम में ले रहे हैं या अपन क्या ले रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड काम में ले रहे हैं। यहां देखो एल्कोहल के साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। मतलब रिएक्शन ऐसे हो रही है कि आपकी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपका क्या है? ये एल्कोहल है। यानी यहां से क्या निकलने वाला है? H2O निकलने वाला है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्या हो रहा है? आपका एस्टर का निर्माण हो रहा है। इतना आप जानते हो। अब इसकी जो रेट होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया की दर होती है वो व्युत्क्रमानुपाती है हमेशा किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस की, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो? त्रिविम बाधा की बोलते हो। अब त्रिविम बाधा बोल दो चाहे आप इसको क्या कह सकते हो? भीड़ का बढ़ना, यानी कि जितनी ज्यादा भीड़ होगी
उसकी जो रेट है रिएक्शन की वो उतनी ही क्या होगी आपकी, कम होगी। चलो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मीथेनॉल है, इधर मैंने लिया इथेनॉल और एक मैंने यहां ले लिया है CH3OH और यहां लिया है मैंने कोई एक टर्शरी एल्कोहल लिया है। चलो इसकी अपन रेट की बात करें तो मैंने क्या बोला, इधर से इधर यदि आप जाते हो तो क्या हो रहा है, भीड़ का बढ़ना हो रहा है क्या। देखो एल्किल ग्रुप भी आप इसको बोल सकते हो, या किसकी विद परमाणुपाती है, एल्किल ग्रुप की विद परमाणुपाती होती है। एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा हो गए उसकी रेट क्या हो जाएगी रिएक्शन की, उतनी ही कम हो जाएगी। इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हो तो एल्किल ग्रुप आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे। मीन्स आपने क्या देखा, क्राउडिंग बढ़ रही है क्या, भीड़ बढ़ रही है। अब भीड़ बढ़ रही है मीन्स आपको क्या बोलोगे आप इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है क्या। अब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो इस जो रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होती है, कम हो जाती है क्या। तो रेट यहां पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो अब क्या करोगे आप, ऑर्डर ये निकालोगे क्या, देखो इसका ऑर्डर ज्यादा होगा, यहां एल्किल ग्रुप एक है फिर बढ़ती हो रही है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए इसको क्या कहते हो आप, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलते हो, टर्शरी एल्कोहल बोलते हो, ये क्या हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया आपका मेथनॉल हो गया। चलो ये तो अपन ने बात की एल्कोहल के बारे में, एक एग्जांपल अपन कर लेते कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कर लेते हैं, तो वहां पर भी जो रेट है आपके स्टेरिक हिंड्रेंस पे निर्भर करेगी। रेट यहां स्टेरिक हिंड्रेंस पे निर्भर कर रही है, इसका मतलब जो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगी इस रिएक्शन की रेट वहां क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको क्या कहते हो आप, फॉर्मिक एसिड कहते हो, इसको आप कहते हो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यहां मैंने लगाया CH3COH, इसको क्या कहते हो आप, मीथेनोइक एसिड, सॉरी ये क्या हुआ आपका एसिटिक एसिड, या इसको क्या बोलोगे आप, इथेनोइक एसिड बोल दोगे, ये आपका क्या होगा यहां इथेनोइक एसिड होगा। ये देखो फॉर्मिक एसिड बोलोगे, इसी को आप क्या बोलोगे, एक कार्बन है तो आईपीसी में क्या बोल दोगे, मीथेनोइक एसिड बोल दोगे। चल अब इसका अपन ने क्या करोगे आप, यहां पर प्रोपेनोइक एसिड बना दोगे, फिर क्या करोगे इसका एक आइसो बनाओगे, ठीक है। अब ऐसे ग्रुप बढ़ाते चलो, आपने क्या देखा इधर से इधर चलने पर, आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जुड़ी हुई जो ग्रुप है वहां पर क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या। चलो आपने ये देखा कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, भीड़ का बढ़ना हो रहा है। अब आपको पता है कि भीड़ जहां ज्यादा देखने को मिलेगी वहां उस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑर्डर आपके पास निकल के आएगा ही, आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है ऑर्डर पे, ऑर्डर दे सकते हैं कि इनको आपको एक एस्टरीकरण अभिक्रिया की जो दर है उसके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, या पूछा जा सकता है बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चलो यहां तक नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए आगे लगाइए, इसमें छह नंबर रिएक्शन, एल्काइलेशन एल्कलीकरण, तो देख लिया अपन ने। अब हम बात करेंगे एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन जिसको आप बोलोगे। आगे देखिएगा, अगली जो रिएक्शन है इसी को आप क्या कहते हो, एसिटाइलेशन यानी कि एसिटिलीकरण। अब इसमें आप पहले पढ़ते हो एसाइलेशन, देखो एसाइलेशन क्या होता है, देखिएगा एसिलीकरण की बात करता हूं मैं, यानी कि एसिलीकरण में क्या होगा, किसी एसिल समूह का प्रवेश होगा, RCO ये जो ग्रुप होता है इसको आप क्या कहते हो, एसिल ग्रुप कहते हो। यदि किसी रिएक्शन में एसिल ग्रुप का प्रवेश होता है तो उसे आप क्या कहते हो, एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हो। देखिएगा आपका RCOCl है और मैंने क्या किया है, इसकी रिएक्शन करवाई है एल्कोहल के साथ में, यहां से क्या होगा आपका HCl निकलेगा
और इस अभिक्रिया के दौरान में किसकी फॉर्मेशन होती है? एस्टर की फॉर्मेशन होती। क्लियर है? चलो यहां पर आपका क्या बना है? एस्टर बनने वाला है जो कि बन चुका है, आप देख पा रहे हो। इसको आप कहते हो ऐसे लेकर, यानी कि जो आपका इतना ग्रुप है यहां से जो आपको मिला है आपने क्या करवाया, उसका प्रवेश करवाया है। अब मैं बात कर रहा हूं एसिटिलीकरण की। अब देखो एसिटिलीकरण क्या होता है उसकी बात करते हैं। मैंने क्या किया है, एसिटिल क्लोराइड बोलोगे इसको, CH3COCl इसको आप कहते हो एसिटिल क्लोराइड। इस एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन यदि आप करवाते हो एल्कोहल के साथ में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, चलिएगा। अब देखो क्या होगा, यहां से आपका प्रोडक्ट CH3COOR, इसी को आप क्या कहते हो, एस्टर कहते हो। अब इस रिएक्शन में देखिएगा, यहां पर आप काम में ले तो पीरिडीन ले सकते हो काम में, यानी क्षार काम में लेना, या इसके स्थान पर आप ले सकते हो डाई मेथिल एनिलीन। क्या ले सकते हो काम में, डाई मेथिल एनिलीन ले सकते हो काम में। क्लियर है? या ले सकते हो डाई मेथिल एमिन ले सकते हो काम में। क्या ले सकते हो, डाई मेथिल एमिन ले सकते हो। क्या होता है डाई मेथिल एमिन, यानी कि दो मिथाइल ग्रुप है वो किसी एमिन ग्रुप से भी जुड़े हुए, तो उसे क्या बोलोगे, डाई मेथिल एमिन। और ये डाई मेथिल एनिलीन क्या हो जाता है, यदि यहां पर मैं क्या कर दूंगा, फिनाइल ग्रुप जोड़ दूंगा, बेंजीन ग्रुप जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो पीरिडीन आप काम में ले रहे हो, क्षार काम में ले रहे हो, डाइमेथिल एनिलीन। क्षार क्यों बोला गया, क्योंकि इन पे क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पे आपको लोन पेयर देखने को मिलेगा, पीरिडीन में देखने को मिलता है। अब लोन पेयर के कारण क्या करते हैं, ये एक क्षार की भांति व्यवहार करती है, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका एमीन होता है वो एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्यों करता है। देखो एमीन ही होता है आर, आपसे पूछा जा सकता है लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्यों करता है, कारण क्या बताओगे, इसके नाइट्रोजन के पास में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, लोन पेयर पाए जाते हैं, इन लोन पेयर के कारण ये क्या करता है, व्यवहार करता है किसका, ठीक है, एक लुईस क्षार का व्यवहार करता। अब देखो यहां पर जो काम मिले, खास बात है, रिएक्शन को ये आगे अग्र दिशा में संपादित करवाते, वरना ये रिएक्शन आपकी क्या होती, उत्क्रमणीय होती। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करवाने के लिए आप यहां पर क्या काम में लेते हो, क्षार काम में लेते हो, जिसे अभिक्रिया आगे क्या होती रही आपकी, प्रोसीड होती रहे, वापिस आपके उत्पाद से अभिकारक नहीं बने। क्लियर है? चलो इसके अलावा देखो ये जो रिएक्शन है इसमें आप एन हाइड्राइड भी काम में ले सकते हो। एसिटिल क्लोराइड लिया आपने, यहां आप क्या काम में ले सकते हो, किसी एन हाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। इसको हीट करोगे किसके साथ में, पीरिडीन की उपस्थिति में। तो देखो क्या बनेगा आपका, यहां से CH3COCl बनेगा, एसिटिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और एस्टर बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, CH3COOCOCH3, एक तो आपने क्या बना दिया, एस्टर बना दिया, और एक आपने क्या बना दिया है, CH3COCl बना दिया है, यानी कि इसको आप क्या कहते हो, एसिटिल क्लोराइड की क्या कर दिए, यहां आपने फॉर्मेशन कर दी। क्लियर है? यहां तक के इसको नोट करें। चलो ये अपन ने देख लिया है यहां पर किस प्रकार से जो आपका एल्कोहल होता है वो एसिडिक नेचर दर्शाता है, उसके बारे में अपने डीपली चर्चा की, विस्तार से चर्चा की, यानी कि अपन ने उसकी बात की जहां से एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे उन रिएक्शंस के साथ में जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक्स।